नहीं, सिक्योरिटी वाले जब इस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो ये खुद ही सब कुछ बता देगा। और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि खुद से तफसीली पूछ-पूछ करे। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। फिर इमरान ने विलियम को सिक्योरिटी वालों के हवाले कर दिया और उन्हें उससे पूछ-पूछ के बारे में हिदायत देकर उन्हें रुखसत कर दिया। थोड़ी देर बाद सिद्दीकी के साथ सफदर और तनवीर भी वहाँ पहुँच गए। अब आपका क्या प्रोग्राम है इमरान साहब, इस मार्ग को कैसे और कहाँ तलाश किया जाए? सफदर ने आते ही इमरान से मुखातिब होकर कहा, तुम्हें सिद्दीकी ने अब तक होने वाली कार्रवाई के बारे में तो बता दिया होगा। इमरान ने बैरूनी पाठक की तरफ बढ़ते हुए कहा, जी हाँ, ये तो इंतहाई खतरनाक प्लान था। हमारे तो तस्वीर में भी ना था कि ये लोग इस मकान से तय करने तक सुरंग लगाकर मिसाइल फायर करने का मंसूबा बनाए हुए हैं। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, ये प्लान तो खत्म हो गया, लेकिन ये मार्क दर्जे सही और शातिर आदमी है। उसके साथ साथ ये इस टाइप का आदमी है जो हर कीमत पर अपना प्लान यानी मिशन मुकम्मल करना चाहता है। उसके आदमी विलियम से जो इशारे मिले हैं उस प्लान से भी ज्यादा खतरनाक है। उसने मुतबादिल प्लान के तौर पर कॉन्फ्रेंस हॉल में काम करने वाले किसी आदमी को आलेकार बनाया हुआ है और वहाँ हजारों नहीं तो सैकड़ों आदमी काम कर रहे होंगे। अब ये कैसे मालूम किया जा सकता है कि उनमें से किसने अपना जमीर फरोख किया है? इमरान ने कहा। लेकिन वो उस आदमी से काम क्या लेगा? सफदर ने कहा, यही तो मालूम नहीं हो सका, वरना तो उसका दिफा आसानी से कर लिया जाता। मेरी कर्नल फरीदी से बात हुई है, उन्हें जब मैंने इस बारे में इत्तला दी है तो वो भी परेशान हो गए हैं। उनका भी यही ख्याल है कि ये इंतहाई खतरनाक मामला है, इसलिए उसे हतमी तौर पर रोकने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल के इनेकास से पहले इस मार्ग की दस्तियाबी हर सूरत में जरूरी है। लेकिन हम इस वक्त अंधेरों में भटक रहे हैं, किसी किस्म का कोई क्लू मौजूद नहीं है जिसकी मदद से उसे ट्रेस किया जा सके। ले देकर हमारे पास उनके हुलिये और कदोकामत की तफसील है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे इस मकान पर सिक्योरिटी के रेट की तिला मिल गई होगी और जिस टाइप का वो आदमी है उसने लामहला हुलिये भी बदल लिए होंगे और लिबास भी। इमरान ने कहा। वो सब पाठक से बाहर सड़क पर आकर खड़े हो गए थे। वो आधी रात का वक्त हो चुका था, लेकिन ये सड़क उसी तरह रवा दवा थी जैसे दिन के वक्त होती है। फुटपाथ पर भी खासे लोग थे जिनमें अक्सरियत गैर मुल्की सयाहों की थी जो घूम रहे थे। इमरान चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा, फिर उसने एक तवील सांस लिया। आओ पहले किसी रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पिए, शायद इस दौरान कोई बात समझ में आ जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा और आगे बढ़ गया। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि इस तरह ये लोग हमें नहीं मिल सकेंगे। बगैर किसी क्लू के इतने बड़े शहर में किसी को ट्रेस नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि हमें तमाम दर तवज्जे सुबह कॉन्फ्रेंस हॉल पर मरकूज रखनी चाहिए, अचानक सिद्दीकी ने कहा। फिलहाल तो वाकई यही पोजीशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह सुबह से पहले इसके बारे में कोई ना कोई सुराग लगा लिया जाए। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन किस तरह? सिद्दीकी ने कहा। यही बात तो समझ में नहीं आ रही। इस वक्त मैं अपने आप को वाकई इंतहाई बेबस महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल कोशिश करना तो फर्ज है, इमरान ने कहा और सिद्दीकी के साथ साथ सब साथियों ने सर हिला दिए। एक बात मेरे जहन में आई है, अचानक जूलिया ने कहा। कौन सी? इमरान ने चौंक कर पूछा। अगर हम कॉन्फ्रेंस हॉल में काम करने वाले सब अफराद के घरों के पते मालूम करें और फिर उन सबको चेक करें तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं से कोई क्लू मिल जाएगा। जूलिया ने कहा। सैकड़ों अफराद को कैसे चेक किया जा सकता है, लेकिन चीदा चीदा अफराद के बारे में अलबत्ता मालूमात हासिल की जा सकती है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही वो एक साइड में बने हुए पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। यह मकामी कॉल मुफ्त थी, इसलिए फोन बूथ में सिक्के डालने की जरूरत न थी। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, एक आवाज सुनाई थी। क्या आप कॉन्फ्रेंस हॉल से बोल रहे हैं? इमरान ने पूछा। जी हाँ, आप कौन साहब है? दूसरी तरफ से पूछा गया। मेरा नाम अली इमरान है, कर्नल फरीदी साहब का साथी हूँ। इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल का इंचार्ज कौन है? इमरान ने कहा। कर्नल फरीदी साहब खुद मौजूद है जनाब, दूसरी तरफ से इस बार मौतबाना लहजे में कहा गया। कर्नल फरीदी साहब? अच्छा, फिर उनसे ही बात कराए, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके तस्वीर में भी ना था कि कर्नल फरीदी इस वक्त भी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद होंगे। उसने तो जानबूझकर कर्नल फरीदी की रिहायशगा पर फोन न किया था कि वो सो गए होंगे, लेकिन अब ऑपरेटर बता रहा था कि कर्नल फरीदी यहाँ मौजूद हैं। हेलो, फरीदी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कर्नल फरीदी की आवाज़ सुनाई थी। आप आराम करने की बजाय कॉन्फ्रेंस हॉल पहुँच गए हैं, इमरान ने कहा। तुम्हारा फोन आने के बाद जाहिर अब आराम करने की गुंजाइश खत्म हो गई है, इसलिए मैं कैप्टन हमीद को साथ लेकर यहाँ आ गया हूँ ताकि यहाँ अच्छी तरह मजीद चेकिंग कर ली जाए, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। मैंने इसलिए यहाँ फोन किया था कि यहाँ के इंचार्ज से कल कॉन्फ्रेंस हॉल में काम करने वाले ऐसे अफराद के बारे में मालूमात हासिल कर सकूं जिन पर शुबा हो सके कि वो कोई बम वगैरह अंदर ले जाकर छुपा सकते हैं, इमरान ने कहा। बम तो अंदर पहुंच ही नहीं सकता, यहाँ सख्त बल्कि सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम है, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। बम तो मैंने वैसे ही कह दिया है, वरना कोई भी प्लास्टिक मटेरियल अंदर ले जाया जा सकता है। ऐसा मटेरियल
जिसे चेकिंग रेस चेक ना कर सके। इमरान ने कहा, मैंने अपनी तरफ से तो यही कोशिश की है कि ऐसा मटेरियल भी अंदर ना जा सके। इसके लिए साइंसी इंतजाम के साथ साथ जिस्मानी तलाशी का भी सिलसिला कायम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। तुम कहाँ से बोल रहे हो? कर्नल फरीदी ने कहा, पब्लिक फोन बूथ से। इमरान ने जवाब दिया, ओके तुम ऐसा करो कि 10 मिनट बाद मुझे फोन कर लेना, मैं इस दौरान मालूमात हासिल कर लूंगा। कर्नल फरीदी ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर अपने साथियों के पास आ गया। आओ अब रेस्टोरेंट में चलकर बैठें, इमरान ने कहा और फिर वो सब आगे चलते हुए एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गए। रेस्टोरेंट इस वक्त तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। वो सब जाकर एक मेज के गिर्द बैठ गए और इमरान ने वेटर को कॉफी लाने का ऑर्डर दे दिया। चंद लम्हों बाद कॉफी सर्व कर दी गई। आपने कहाँ फोन किया था? सिद्दीकी ने कॉफी का घूंट लेते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान ने उसे तफसील बता दी। लेकिन चेकिंग किस अंदाज में होगी? सिद्दीकी ने कहा। दो थप्पड़ लगाकर पूछा जा सकता है, अचानक तनवीर ने कहा, जो अब तक खामोश बैठा हुआ था और उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। फिर पहले तो कर्नल फरीदी के साथ ये कार्रवाई करना पड़ेगी, इमरान ने कहा और एक बार फिर सब हंस पड़े। मैं कर्नल फरीदी को फोन कर लूं, फिर बातें होंगी, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाता वो काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। एक फोन करना है, इमरान ने काउंटर पर खड़े आदमी से कहा। यस सर, काउंटर मैन ने फोन कर रोक उसकी तरफ करते हुए मातबाना लहजे में कहा तो इमरान ने अजबात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और कॉन्फ्रेंस हॉल के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, कर्नल फरीदी से बात कराए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, फरीदी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कर्नल फरीदी की बावकार आवाज सुनाई दी। फहरिस्त तैयार हुई है या नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने बहुत सोच समझ कर 10 अफराद मुंतखब किए हैं, उनकी तफसीलात नोट कर लो, कर्नल फरीदी ने कहा। एक मिनट, मैं जरा कागज कलम ले लो, इमरान ने कहा और फिर काउंटर मैन से उसने कागज और कलम की डिमांड की तो उसने काउंटर के नीचे से रेस्टोरेंट का पैड उठाकर उसके सामने रख दिया और साथ ही एक बॉल पॉइंट भी दे दिया। जी कर्नल साहब, लिखवाइए, इमरान ने कहा और कर्नल फरीदी ने नाम और पते लिखवाने शुरू कर दिए। ठीक है, शुक्रिया, अब मैं इन्हें बारी बारी चेक कर लूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। जनाब, आप ये चेकिंग किस सिलसिले में कर रहे हैं? अचानक काउंटर मैन ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। तुम्हें मालूम है कि कल यहाँ एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस हॉल को तबाह करने के लिए एक दहशतगर्द ग्रुप काम कर रहा है। हमने इस ग्रुप को ट्रेस करना है। हमें इत्तला मिली है कि अब ये लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में काम करने वाले किसी आदमी को आलाकार बनाकर वहाँ बम वगैरह ब्लास्ट कराना चाहते हैं। इसलिए इन अपराध की चेकिंग हो रही है। लेकिन तुमने क्यों पूछा है? इमरान ने उसे तफसील बताते हुए कहा। आपका ताल्लुक सिक्योरिटी से है शायद, काउंटर मैन ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, मैं कर्नल फरीदी के साथ काम कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। कर्नल फरीदी साहब के बारे में तो मैंने सुना हुआ है कि वो बहुत बड़े जासूस हैं और इस कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। और कर्नल फरीदी साहब का नाम जब आपने लिया तब मैं चौंका। असल बात यह है कि इस फहरिस्त में एक नाम शोएब निजामी साहब का है। मैं उनके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन जनाब मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए पहले आप वादा करें कि मेरा नाम दरमियान में ना आएगा, काउंटर मैन ने कहा। वादा रहा, इमरान ने फौरन वादा कर लिया। जनाब, हमारे मालिक का एक रेस्टोरेंट किंग रोड पर भी वाकई है। मेरी ड्यूटी असल में उसी रेस्टोरेंट में थी, लेकिन यहाँ का काउंटर मैन अचानक बीमार हो गया तो मैनेजर साहब ने मुझे यहाँ बुला लिया है। मैं अभी तकरीबन नीस घंटा पहले यहाँ आया हूँ। शाम के वक्त जब मैं वहाँ ड्यूटी पर था तो ये शोएब निजामी साहब वहाँ 3 गैर मुल्कियों के साथ आए और वो काफी देर तक वहाँ बैठे बातें करते रहे, फिर वो सब उठकर इकट्ठे चले गए आपकी फहरिस्त में। जब मैंने उनका नाम देखा तो मुझे उनके गैर मुल्कियों के साथ इस पुर इसरार अंदाज में मीटिंग याद आ गई है, काउंटर मैन ने कहा। तुम इस शोएब निजामी को कैसे जानते हो? इमरान ने पूछा। जनाब, उनकी रिहाइश का इस रेस्टोरेंट के करीबी है, वो अक्सर रेस्टोरेंट में आते रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और पहचानता हूँ, काउंटर मैन ने जवाब दिया। इन गैर मुल्कियों को तुमने देखा है, उनके हुलिये बता सकते हो? इमरान ने कहा। मैंने उस वक्त उन्हें गौर से नहीं देखा था, लेकिन बहरहाल सरसरी तौर पर तो बता सकता हूँ, काउंटर मैन ने कहा और उसके साथी उसने हुलिये बताने शुरू कर दिए, जिसे सुनकर इमरान का दिल बलिया उछलने लगा, क्योंकि काउंटर मैन जो हुलिये बता रहा था वो मार्क और उसके साथियों के ही थे। शोएब का क्या हुलिया है? इमरान ने पूछा तो काउंटर मैन ने उसका हुलिया बता दिया, उसकी कोठी का नंबर और पता, इमरान ने कहा और काउंटर मैन ने नंबर और पता बता दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, मैं चेक कर लूंगा। वैसे तुम कतई बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम किसी सूरत भी सामने नहीं आएगा, इमरान ने कहा और वापस अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। बाज औकात ऐसे इत्तेफाकात पेश आ जाते हैं कि इंसान अल्लाह ताला की कुदरत पर हैरान रह जाता है, इमरान ने अपने साथियों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या हुआ? क्या कोई खास बात मालूम हो गई है? सबने चौंक कर पूछा
और इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए काउंटर मैन से होने वाली सारी बात दोहरा दी। हैरत है, वाकई ये अजीब इत्तेफाक है, सबने कहा। जिसे हम इत्तेफाक कहते हैं ये दरअसल अल्लाह ताला के खास निजाम के तहत होता है। बहरहाल अब ये बात तो तय हो गई है कि मार्क इस शोएब निजामी को आलाकार बना रहा है और कर्नल फरीदी ने बताया था कि ये शोएब वहाँ इंतजामी इंचार्ज है, इमरान ने कहा। अब बाकी क्या बात रह गई है, चलकर इस शोएब को पकड़ लेते हैं और मसला खत्म, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इस वक्त वो शोएब अपनी जेबों में बम डाले तो ना लेटा हुआ होगा, लामहला कल सुबह जब कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएगा तो बम लेकर जाएगा, उस वक्त उसे पकड़ना होगा, वरना अब तो वो हर बात से साफ इनकार कर देगा, इमरान ने कहा। वो मार्क के बारे में तो बता सकेगा, उसे तो गिरफ्तार होना चाहिए, सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें चौंकाना नहीं चाहिए बल्कि सुबह उन्हें घेरा जाए, जूलिया ने कहा। नहीं, मैंने कर्नल फरीदी से सिर्फ अल्लाह ताला की इमदाद के भरोसे पर वादा कर लिया था कि मैं सुबह होने से पहले इस मार्क को ट्रेस कर लूंगा और अल्लाह ताला ने इस तरह गैबी तौर पर मेरी इमदाद करके मेरा भरम रख लिया है, इसलिए मार्क को हर सूरत में गिरफ्तार होना चाहिए, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके साथी उठ खड़े हुए। उसी लम्हे वेटर बिल लेकर आ गया तो इमरान ने बिल अदा करने के साथ साथ उसे खासी बड़ी टिप भी दी और फिर वो सब तेज तेज कदम उठाते बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गए। शोएब अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देख रहा था और साथ साथ वो शराब भी पी रहा था। उसकी आदत थी कि वो सोने से पहले शराब जरूर पीता था और शराब पीने के साथ साथ वो टीवी भी देखता रहता। उसी लम्हे अचानक साथ पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। शोएब जब भी बेडरूम में आता तो वो फोन का डायरेक्ट कनेक्शन बेडरूम में साथ रख लेता था ताकि अगर कोई अहम कॉल हो तो वो बराह रात उसे सुन सके। ये किसकी कॉल है इस वक्त, शोएब ने बड़बड़ाते हुए कहा और साथ ही हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, शोएब ने रिसीवर उठाते हुए कहा। शोएब साहब से बात कराए। मैं रहमत शाही बोल रहा हूँ वेटर, मैंने उन्हें इंतहाई अहम इत्तला देनी है, दूसरी तरफ से इंतहाई तेज लहजे में कहा गया तो शोएब बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि वो इस रहमत शाही नामी वेटर से अच्छी तरह वाकिफ था। ये उसकी कोठी के करीब रेस्टोरेंट में वेटर था और उसी के जरिए शोएब गैर मुल्की शराब मंगवाया करता था। रहमत शाही तुम, मैं शोएब बोल रहा हूँ, क्या बात है, शोएब ने हैरान होकर कहा। जनाब मैं इस वक्त अपनी जान पर खेलकर आपको फोन कर रहा हूँ, मेरी आई ड्यूटी मेन रोड वाले रेस्टोरेंट में है, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ एक औरत और चंद मर्द आए, मैंने उन्हें कॉफी सर्व की और फिर उनमें से एक आदमी काउंटर पर आया, उसने वहाँ से सिक्योरिटी के कर्नल फरीदी को फोन किया, वो अपना नाम अली इमरान बता रहा था। कर्नल फरीदी ने उसे 10 अपराध की फहरिस्त और पते लिखवाए जिसमें आपका नाम और पता भी शामिल था। काउंटर पर ड्यूटी अल्ताफ की थी, उसने अली इमरान को बताया कि शाम को उसकी ड्यूटी आपकी कोठी के करीब वाले रेस्टोरेंट पर थी तो आप तीन गैर मुल्कियों के साथ वहाँ काफी देर तक रहे और पुर असरार अंदाज में बातें करते रहे। इस अली इमरान ने आपका और उन गैर मुल्कियों के हुलिये भी उससे मालूम किए और आपकी रिहायशगाह का पता भी, फिर वो चले गए। मैं सोच काउंटर के करीब सर्विस रूम में मौजूद था इसलिए मैंने सारी बात सुन ली। वो कॉन्फ्रेंस हॉल को तबाह करने वाले किसी दहशतगर्द ग्रुप को तलाश करने की बात कर रहे थे। मैं उनके जाने के बाद फौरन बाहर आया और अब करीबी पब्लिक फोन बूथ से आपको फोन कर रहा हूँ, रहमत शाही ने बड़े पुर इसरार से लहजे में कहा। लेकिन मेरा किसी दहशतगर्द ग्रुप से क्या ताल्लुक, और वो गैर मुल्की तो सैयाह थे, मैंने उन्हें इजरा खिलाफ चाय पिला दी थी। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें इस इत्तला का इनाम मिलेगा, शोएब ने जवाब दिया और फिर हाथ मारकर उसने क्रेडल प्रेस किया और उसके साथ ही उसने तेजी से वो नंबर डायल करने शुरू कर दिए जो मेहमान खाने के अलहदा फोन के थे। यस, रब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। शोएब बोल रहा हूँ, शोएब ने तेज लहजे में कहा। ओ तुम, और इस वक्त मैं मार्क बोल रहा हूँ, खैरियत, दूसरी तरफ से मार्क की आवाज सुनाई थी, उसके लहजे में हैरत के साथ साथ परेशानी का उंसर भी नुमाया था। क्या आप सिक्योरिटी के किसी अली इमरान को जानते हैं, शोएब ने पूछा। अली इमरान, ओ हाँ, क्यों, वो तो पाकिस्तान का मशहूर सीक्रेट एजेंट है, इस बार मार्क के लहजे में शदीद परेशानी नुमाया थी। तो फिर आप फौरी तौर पर ये मेहमान खाना छोड़ दे, उगबी तरफ से एक रास्ता जाता है जो आपको उगबी सड़क पर पहुंचा देगा, आप उस तरफ से फौरी तौर पर निकल जाए और अपना तमाम सामान और अपने तमाम शवाहिद सब साथ ले जाए क्योंकि सिक्योरिटी वाले अभी थोड़ी देर में मेरी रिहायशगाह पर छापा मारने वाले हैं, उन्हें आपकी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया है, शोएब ने तेज लहजे में कहा। लेकिन वो, मार्क ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप बेफिक्र रहे, काम हर सूरत में होगा, लेकिन अब हमें अपना सारा लाए अमल तब्दील करना पड़ेगा, आप यहाँ से निकल जाए ताकि आप उनके हाथ ना आ सके, मैं उन्हें संभाल लूंगा, आप ऐसा करें कि बाहर जाकर किसी पब्लिक फोन बूथ से मुझे फोन करें, मेरा नंबर नोट कर ले, शोएब ने तेज तेज लहजे में कहा और साथ ही अपना मखसूस फोन नंबर बताकर उसने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे। उसने रिमोट कंट्रोल से टीवी बंद कर दिया और बड़ी लाइटें बुझाकर
बेड लाइट जला दी ताकि बाहर से यही समझा जाए कि वो सो रहा है, लेकिन जाहिर है इस फोन के बाद उसे नींद कैसे आ सकती थी। उसके जहन में वो इंतहाई भारी मालियत का गारंटर चेक घूम रहा था। अगर मार्क और उसके साथियों का मिशन पूरा ना हुआ तो जाहिर है ये चेक उसे वापस ले लिया जाएगा, और वो ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि जो लोग इस कदर भारी रकम के चेक दे सकते हैं वो उसे वापस वसूल भी कर सकते हैं। इसलिए उसके जहन मुसलसल इस बात पर गौर कर रहा था कि इन हालात में मिशन की तकमील का क्या लाए अमल बनाया जाए, ऐसा लाए अमल कि मिशन भी मुकम्मल हो जाए और उसकी जान भी बच जाए और उसकी जात भी निशाना न बन सके। क्योंकि वो ये बात भी जानता था कि अब जबकि उसके साथ मशकूक हो गई है तो अब सुबह कॉन्फ्रेंस हॉल में उसकी इंतहाई सख्ती से निगरानी की जाएगी और हो सकता है कि बकायदा जामा तलाशी भी ले जाए। जाहिर है इन हालात में वो पहले की तरह दो TS बम अपनी सेफ्टी जैकेट की जेबों में छुपा कर तो ना ले जा सकता था, और ये भी हो सकता था कि उसका दाखिला भी कॉन्फ्रेंस हॉल में बंद कर दिया जाए। वो मुसलसल इन सारी बातों पर गौर कर रहा था कि एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह उसके जहन में लपका तो वो बुरी तरह उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यकलक इंतहाई मसरत के तासुरात उभर आए। उसके जहन में मिशन की तकमील का एक अछूता आइडिया आ गया था। उसे मालूम था कि कॉन्फ्रेंस 3 रोज तक जारी रहनी थी। पहले रोज तो सिर्फ इब्तदाई इजलास था, वफूद का सिर्फ तारुफ होना था। दूसरे और तीसरे रोज का इजलास सबसे अहम था। दूसरे रोज तकरीरें थी और करारदादों के मतन तैयार होने थे। तीसरे रोज इन करारदादों की मंजूरी और फिर आखिर में कॉन्फ्रेंस के सदर की तकरीर थी, और इस तरह ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती। उसे मालूम था कि सिक्योरिटी वाले सबसे ज्यादा पहले रोज चौकन्ना होंगे। अगर पहले रोज कुछ ना हुआ तो नामाला सख्तियाँ कम हो जाएंगी, फिर अगर दूसरे रोज भी कुछ ना हुआ तो फिर सूरत हाल यकसर तब्दील हो जानी थी। इस तरह तीसरे और आखिरी दिन को उन्होंने रूटीन में लेना था, और इस रोज कॉन्फ्रेंस हॉल को इंतहाई आसानी से तबाह किया जा सकता था। चुनांचे उसने फैसला कर लिया कि वो मार्क से ये बात मनवाएगा कि मिशन पहले रोज की बजाय तीसरे रोज मुकम्मल किया जाए। अभी वो ये फैसला कर ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी और शोएब ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शोएब ने कहा, मार्क बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से मार्क की आवाज सुनाई थी। आप महफूज जगह पहुंच गए हैं या नहीं, शोएब ने पूछा। हाँ, हम कतई महफूज जगह पर पहुंच गए हैं। अब तुम तफसील बताओ कि तुम्हें ये तिलक कैसे और किसने दी है, पूरी तफसील बताओ, ये बात हमारे लिए इंतहाई अहम है। मार्क का लहजा बेहद संजीदा था, तो शोएब ने रहमत शाही पीटर की कॉल आने और उसकी बताई हुई पूरी तफसील बता दी। ओ, इसका मतलब है कि उस रेस्टोरेंट में हमारी मुलाकात चेक की गई है। बहरहाल अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, मार्क ने कहा। प्रोग्राम वही है जो पहले था, लेकिन सिर्फ लाए अमल तब्दील करना होगा, शोएब ने कहा। देखो शोएब, हमारे लिए ये मिशन जिंदगी मौत का मसला है। हमने हर सूरत में ये मिशन मुकम्मल करना है, और तुमने देख लिया है कि सिक्योरिटी वाले कर्नल फरीदी और अली इमरान भूतों की तरह हमारे पीछे लगे हुए हैं। अब तुम्हारी जात भी मशकूक हो गई है। जाहिर है अब तुम्हारा मिशन पर काम करने का स्कोप ही खत्म हो गया है। तुम ऐसा करो कि वो चेक हमें वापस कर दो और सब कुछ भूल जाओ, मार्क ने कहा। आपको मिशन की तकमील चाहिए, वो हो जाएगी, शोएब ने कहा। किस तरह, मार्क ने कहा, तो शोएब ने उसे तीसरे रोज वारदात करने के बारे में तफसील बताई। नहीं, ये काम पहले रोज होना है ताकि कॉन्फ्रेंस मुनाकिदी ना हो सके। इन हालात में हो सकता है कि वो पहले रोज करारदाद दे पास करके कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दे, फिर क्या होगा। और दूसरी बात ये कि जिस पार्टी का ये मिशन है उस पार्टी की हिदायत यही है कि ये कॉन्फ्रेंस हर सूरत में मुनाकिदी ना हो सके, मार्क ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ, आप अपना चेक वापस ले लो, लेकिन आप किस तरह मिशन मुकम्मल करेंगे, शोएब ने बड़े मुर्तसिल लहजे में कहा। हमने तो बाहर काम करना है, हम कोई ना कोई तरीका सोच लेंगे। और ये भी सुन लो कि हमें चेक की वापसी से दिलचस्पी नहीं है, अगर कोई महफूज लायमल सोच सकते हो तो मुझे बता दो ताकि मैं मुतमईन हो सकूं, मार्क ने कहा। ओ, एक मिनट, मुझे अचानक एक और ख्याल आ गया है। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शोएब ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊंची थी कि दूसरी तरफ मार्क ने उसकी आवाज सुन ली थी। क्या हो सकता है, मार्क ने पूछा। जनाब, आप कतई बेफिक्र रहे, आपका मिशन इंतहाई महफूज तौर पर मुकम्मल होगा और पहले रोज ही होगा, शोएब ने बड़े मसरत भरे लहजे में कहा। किस तरह, जरा तफसील से बात करो, मार्क ने इस बार कतरे तल्ख लहजे में कहा। जनाब, आप ये दोनों बम तैयार रखे और सुबह 6 बजे मार्टी चौक पर ये दोनों बम मैं आपसे वसूल कर लूंगा, और उसके बाद ये बम उसी जगह पहुंच जाएंगे जो जगह पहले तजवीज की गई है, शोएब ने कहा। किस तरह, चेकिंग नहीं होगी तुम्हारी, मार्क ने कहा। चेकिंग होगी, लेकिन चेकिंग मेरी होगी, जबकि ये दोनों बम मैं अपने साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं ले जाऊंगा, बल्कि ये दोनों उस सिक्योरिटी जीप में रख दिए जाएंगे जिसमें सवार होकर मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जाऊंगा। ये जीप जिस जगह जाकर रुकेगी वहां से ये दोनों बम आसानी से मतलूबा जगह पर पहुंचाए जा सकते हैं, शोएब ने कहा। तुम बार बार इंतहाई मुबम बात कर रहे हो, हमारे पास अब इतना वक्त नहीं रहा कि मैं तुम्हारी ये मुबम बातें सुनता रहूं।
आखिरी बार कह रहा हूँ कि सब कुछ तफसील से बताओ। इस बार मार्क ने इंतहा गुस्सीले लहजे में कहा, देखिए जनाब, सिक्योरिटी की जीप मेरी कोठी के अंदर पोर्च में आकर रुकती है और ड्राइवर और गार्ड रोजाना गार्ड रूम में जाकर मेरी तरफ से नाश्ता करते हैं। इस दौरान मैं ये दोनों बम जीप के अंदर सीट के नीचे एहतियात से रख दूंगा, चूँकि इनके गिर्द वो मखसूस गिलाफ मौजूद होगा जिसकी वजह से चेकिंग रेस इन्हें चेक न कर सकेंगी, इसलिए लामहला क्लियर हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल में सरकारी जीपों की पार्किंग कॉन्फ्रेंस हॉल के दाएं कोने में है, वहां जाकर जीप रुक जाएगी और मैं ड्राइवर और गार्ड उतरकर पहले एक कमरे में जाएंगे जहां बाकायदा हाजिरी रिपोर्ट होती है। ये जगह बिल्कुल अलग थलग है और उसके साथ ही सीढ़ियां नीचे तहखाने में जाती है। मैं ये दोनों बम सीट के नीचे से निकालकर उस सीढ़ियों के साथ मौजूद बड़े से गमले की ओट में छुपा दूंगा और खुद हाजिरी रिपोर्ट के लिए चला जाऊंगा। वापसी पर ये दोनों बम उठाकर अपनी जेबों में डाल लूंगा और इत्मीनान से मशीन रूम में पहुंचकर वहां मतलूबा जगह पर पहुंचा दूंगा, शोएब ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन जहां पार्किंग है वहां तो गाड़ियां मुसलसल आती जाती रहती होंगी और वहां अपराध भी मौजूद रहते होंगे, मार्क ने कहा। नहीं जनाब, मैं चूंकि इंतजामी इंचार्ज हूं इसलिए मैं सबसे पहले वहां पहुंचता हूं। मेरे वहां पहुंचने के तकरीबन एक घंटे बाद दूसरा अमला आता है और मेरे पास इतना वक्त बहरहाल होगा कि मैं इस दौरान ये दोनों बम मतलूबा जगह पर पहुंचा दूं, शोएब ने कहा। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी रिहाइशगाह की खुफिया निगरानी की जा रही हो, इसलिए तुम सुबह 6 बजे घर से निकलकर मार्टी चौक पर पहुंचोगे तो तुम्हें वहीं चेक कर लिया जाएगा, मार्क ने कहा। मैंने मार्टी चौक इसलिए कहा है कि ये चौक मेरी कोठी से थोड़े फासले पर है। मेरे साथ वाली कोठी इन दिनों खाली है, दरमियान में एक दरवाजा मौजूद है। मैं उस दरवाजे के रास्ते साथ वाली कोठी में जाऊंगा, उसका साइड दरवाजा साइड रोड पर है, उससे मार्टी चौक सामने है। इस तरह किसी की नजरों में आए बगैर मैं मार्टी चौक पहुंच जाऊंगा और वहां से उस साथ वाली कोठी के रास्ते वापस अपनी कोठी में भी पहुंच जाऊंगा। आप कतई बेफिक्र रहे, मिशन बिल्कुल मुकम्मल होगा, शोएब ने कहा। ओके, सुबह 6 बजे मैं मार्टी चौक पर तुम्हारा मुंतजर रहूंगा, लेकिन हमारा मेकअप मुख्तलिफ होगा, इसलिए निशानी के तौर पर सिर्फ इतना बता दूं कि ट्रैक सूट में जर्द रंग की चौड़ी धारियां होंगी और बस, मार्क ने कहा। ठीक है जनाब, आप बेफिक्र रहे, शोएब ने कहा और दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने की आवाज सुनकर उसने बेख्तियार इत्मीनान भरा एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इस इत्मीनान की वजह यह थी कि उसने मार्क को मुतमईन कर दिया था और उसे यकीन था कि वो उससे ये पूरी रकम वापस न लेगा कि अचानक फोन के साथ रखे हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी। शोएब ने रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन फिर हाथ खींच लिया। उसे ख्याल आ गया था कि वो तो सो रहा है, इसलिए फौरन रिसीवर उठाने का मतलब होगा कि वो जाग रहा है। उसे यकीन था कि ये कॉल मुलाजिमों की तरफ से सिक्योरिटी की वजह से हो रही होगी। चुनाचे चंद लम्हों के इंतजार के बाद उसने रिसीवर उठा लिया। यस, शोएब ने कदरे खमार आलूद लहजे में कहा। आबिद बोल रहा हूँ जनाब, सिक्योरिटी के अफराद आए हैं, उन्होंने हम सब मुलाजिमों को असले के जोर पर एक कमरे में कैद कर दिया है और सारे घर और मेहमान खाने की तलाशी ली और अब उन्होंने कहा है कि आपको बुलाया जाए। दूसरी तरफ से उसके हाउस इंचार्ज आबिद की इंतहाई परेशान सी आवाज सुनाई दी। सिक्योरिटी के अफराद, क्या मतलब? इस वक्त वो रात को क्यों आए हैं और उन्होंने क्यों मेरे घर की इस तरह चोरों की तरह तलाशी ली है? शोएब ने लहजे को गुस्सेला बनाते हुए कहा। ये तो जनाब आप उनसे बात कर ले, आबिद ने कहा। तुम इस वक्त कहाँ से कॉल कर रहे हो और ये लोग कहाँ मौजूद है? शोएब ने कहा। सिटिंग रूम से जनाब, और ये भी सिटिंग रूम में ही मौजूद है, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, शोएब ने कहा। रिसीवर रखकर वो तेजी से उठा और उसने एक साइड पर रखा हुआ अपना स्लीपिंग गाउन उठाकर पहना और फिर दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला और तेज तेज कदम उठाता सिटिंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। सिटिंग रूम में वो जैसे ही दाखिल हुआ उसने वहाँ एक औरत और 4 मर्दों को मौजूद पाया। उसके साथ साथ उस कोठी के तमाम मुलाजिम भी वहाँ मौजूद थे।